नमस्कार रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी। जी मेरा, जैसे कि अब आपको पता है, मेरा नाम अर्चना चौधरी है। मैं गांव शामगढ़, जिला करनाल की रहने वाली हूँ, बट पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ यूएसए कैलिफोर्निया में रहती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना ट्रक ड्राइव करती हूँ और मैं पूरे अमेरिका में ड्राइव करती हूँ डे और नाइट। तो मैं नाइट को जब ड्राइव करती हूँ तो मैं उतना ही सेफ महसूस करती हूँ जितना कि मैं दिन के टाइम पे महसूस करती हूँ। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो एटमॉस्फेयर हमें, मुझे यहाँ मिला है, क्या ये एटमॉस्फेयर हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको रात के टाइम में वहाँ मिल सकता है? क्या आपने ऐसा कोई कदम उठाया है उनकी सेफ्टी को लेके कि अगर किसी महिला या किसी मेरी बहन को रात को अगर निकलना पड़े तो उनको सोचना ना पड़े, वो अपने आप को उतना ही सेफ महसूस करे जितना कि वो दिन के टाइम पे करती है? और मैं ये जानती हूँ कि मेरी जो हरियाणा सरकार है वो इस कार्य को लेकर, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सक्षम है और वो ये सब कर सकती है। थैंक यू मुख्यमंत्री जी। अर्चना जी, विषय बहुत सार्थक है। आपने जो विषय रखा है बड़ा ही प्रशंसनीय विषय है, विचार करने योग्य है, लेकिन जो लक्ष्य आपने रखा है, सफ़र तो बहुत लंबा है इसका। आपने कल्पना करके एक विषय रखा, ये बहुत बड़ी बात है और हम भी इसके ऊपर लगातार विचार कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ में किया भी है। जितने महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं उसके प्रति हम सजग हैं। जैसा मैंने बताया, महिलाओं के हमने थाने खोले, महिला फोर्स को बढ़ाया, दुर्गा ऐप इसको लागू किया। समाज के अंदर एक ऐसा विषय जाना चाहिए कि महिला के प्रति अपराध हमको नहीं करना है। ये दंडात्मक कार्रवाई कितनी ज़्यादा ज़्यादा हो सकती है। हमने बच्चियों के साथ अपराध करने वाले ऐसे लड़कों, ऐसे नौजवानों के साथ या ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, मृत्यु दंड देने तक की बात हमने कही। इसी प्रावधान को केंद्र ने भी अपनाया कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रावधान है, अब सब स्टेट्स में लागू हो गया कि बच्चियों के खिलाफ कोई इस प्रकार का अपराध करता है तो उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन समाज की जैसी रचना है, इसमें बड़ा पहलू ये है समाज को संस्कारित करना। ये अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में एक जैसी कुरीतियाँ आई हुई हैं, उन कुरीतियों से लड़ाई लड़ना हम लगातार लड़ रहे हैं। आप अमेरिका की बात करते हैं, अच्छी बात है, गुजरात में देखा जाए तो इस प्रकार की काफ़ी अच्छी स्थिति वहाँ दिखती है। हम जब गुजरात घूमते हैं तो वहाँ रात को भी देखते हैं कि 2 बजे भी रात को हमारी बहनें, बच्चियाँ, बालिकाएँ ये सड़कों पर घूम रही हैं, परिवार के साथ आ जा रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग स्थिति होने के कारण से हरियाणा की अपनी स्थिति में हम आज ये तो नहीं कह सकते कि इस समय ऐसी स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति की ओर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा उसमें एक पहलू है, समाज का जागरण उसमें दूसरा पहलू है, दंडित करना इस प्रकार के अपराध के लिए वो तीसरा पहलू है। तो ऐसी सारी व्यवस्था करने के लिए सब तरफ से एक दबाव ये बनाया जाएगा, हम उसमें लगे हैं। और जैसा आपने कहा, मैं कामना करता हूँ कि बहुत जल्दी इस प्रकार का वातावरण बने।